नमस्कार जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए अगस्त महीने का पार्ट टू वीडियो आ गया है। इसमें पूर्व सैनिकों के साथ साथ डिपेंडेंट्स और सीएपीएफ के जवानों के लिए भी हम वैकेंसीज को लेकर आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSAT कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। सिक्योरिटी ऑफिसर का एक ही वैकेंसी है। इसमें डिग्री यानी सब्जेक्ट एंड एक सर्विसमैन का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा हुआ है। सैलरी 50,000 पर मंथ का रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट है 30 अगस्त 2024। इसके अलावा ऑनलाइन के साथ साथ हार्ड कॉपी भी भेजना है, उसका लास्ट डेट है 6 सितंबर 2024। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC। यहाँ पे PG पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का वैकेंसी है जो कि है 3069। 5% एक सर्विसमैन के लिए कोटा है, एक सर्विसमैन ऑब्लिक डिपेंडेंट्स। तो यहाँ क्वालिफिकेशन देख लें, मास्टर डिग्री इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट। इसके अलावा 50% मार्क्स BEd एंड STET या HTET क्वालिफाई हो। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ये एप्लीकेशन कब तक है, इसका लास्ट डेट है 14 अगस्त 2024। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BCG टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 255, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व वैकेंसी 12 ही है। तो ध्यान रखेंगे कम वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। यहाँ के इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, PET 2023 क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट जो भी हैं वो इंटरमीडिएट साइंस से हों और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट अवार्डेड बाय स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। इसका लास्ट डेट है 7 अगस्त 2024। इसको मैं पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन लास्ट डेट आने वाला है इसलिए एक बार मैं रिमाइंड करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC मोटर व्हीकल ऑफिसर का वैकेंसी है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसमें 36 वैकेंसी है टोटल। और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी है और उनको एज में भी रिलैक्सेशन मिल रहा है। 52 ईयर्स तक उनको वो अप्लाई कर सकते हैं अप टू द एज 52। लास्ट डेट इसका है 22 अगस्त 2024, जो कि ऑनलाइन आवेदन होगा। तो इसके लिए अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है IBPS PO के लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, आप डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वैकेंसी बहुत सारे हैं, इसलिए एक एक चीज़ को इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं उसका पूरा लिंक आपको भेज दूंगा। इसमें टोटल वैकेंसी 4455 है। इसका लास्ट डेट 21 अगस्त 2024 है। अगर आप बढ़िया तैयारी है आपकी बैंकिंग साइड से, क्योंकि सब SSC का थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है, बैंकिंग का बढ़िया तैयारी है तो इसके लिए आप फील कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम डायरेक्ट वैकेंसी में स्विच कर जाते हैं, यहाँ हमारी सरकारी भर्ती सब समाप्त होगी। 2 PSO आवश्यकता है नोएडा के लिए। एजेंसी का नाम है बोल्ड डिफेंस सिक्योरिटी सर्विसेज। 8 घंटे 26 दिनों की ड्यूटी रहेगी। पिस्टल चाहिए या रिवॉल्वर चाहिए। 45,000 सैलरी यहाँ वो ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा उनको क्या चाहिए, गाड़ी जो कि ड्राइवर भी हो, यानी गाड़ी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स पता कर सकते हैं। अभी DGR कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए सैलरी Level 2 का रहेगा। इसमें वैकेंसी 4 है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप देख सकते हैं। इसका लास्ट डेट है जिला सैनिक बोर्ड से नाम भेजने का, वो है 7 अगस्त 2024। अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी चलाने आती है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरिएट राष्ट्रपति भवन के लिए स्टाफ का ड्राइवर चाहिए ऑर्डिनरी ग्रेड। इसमें एक ही पोस्ट है, लेकिन यह इसमें सैलरी भी ठीक है, Level 2 का सैलरी है जो कि 63,000 तक रहेगा, 63,200 तक। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली का रहेगा। इसमें मैक्सिमम एज 56 है, एक ही वैकेंसी है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 7 अगस्त 2024 है जिला सैनिक बोर्ड से। अभी कई बार इसमें कितने बार हो जाता है, कई बार हो जाता है कि जिला सैनिक बोर्ड बोलता है हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वो PDF आप उनको दिखा दें और उनको बोले कि हमारा नाम आप DGR को भेज दें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोलकाता से वैकेंसी आया था, तो कोलकाता से हमारे पास मैंने DGR एजेंसी का भेजा हुआ है। इसके अलावा एक कोटक महिंद्रा ग्रुप के लिए इनविटेशन है यहाँ पे, पूर्व सैनिकों के साथ साथ CAPF के जवान भी इसके लिए एलिजिबल है। तो मैंने पहले ही बताया था CAPF के लिए इसमें भी वैकेंसीज हैं, तो ये कोटक महिंद्रा ग्रुप में एक सर्विसमैन के साथ साथ CAPF के जो जवान हैं वो भी, या JSU हैं, किसी भी रैंक के हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिला हुआ है।
ये लोकेशन है कोलकाता का या कोलकाता के आसपास के जिला के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो भी वो इसमें इसके लिए एलिजिबल है। पोस्ट कौन कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफिसर 100 वैकेंसी, सीनियर मैनेजर रिक्रूटमेंट 50 वैकेंसी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोलकाता रहेगा, यानी जो वर्किंग जो इसका जो मेन ऑफिस है वो कोलकाता में ही है। अब यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप मेट्रिकुलेट हों, इंटरमीडिएट हों, ग्रेजुएट हों, पीजी हों, तो आप इसके लिए कोई मतलब एलिजिबिलिटी नहीं, आप मेट्रिकुलेट हैं फिर भी इस काम को कर सकते हैं, ये एक सबसे प्लस पॉइंट। अभी पहले ही बता रखे हैं हम लोग कलकत्ता और उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के ही इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी इसके लिए एक एक और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें 35 साल से 70 साल तक पूर्व सैनिक इसमें काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, आप इसमें अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार, अपने काम के अनुसार आप इसमें कर सकते हैं, अपने एफिशिएंसी के अनुसार आप कौन सा फुल टाइम करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम। इनकम जो है वो 30,000 से 40,000 पर मंथ का रहेगा, डिपेंडिंग अपन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। बाकी आप यहाँ पे जो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एड्रेस है, वो आप देख लें, इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा आपको जिनसे बात करना है उनका ये नाम है, ये भी रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हैं और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं, तो इनसे आप बात करके आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट के टाइम में जरूरी पड़ेगा। बाकी वेस्ट बंगाल के लिए जितने DGR एजेंसीज हैं मैं अपडेट करते रहता हूँ टाइम टाइम से, अभी भी आपको वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, तो या तो अगर ये आपको सूट नहीं कर रहा तो एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करके DGR सिक्योरिटी एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर लें और वहाँ से भी आप अपना वैकेंसी को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टारगेट वैकेंसी, इसमें भी एक सर्विसमैन के साथ साथ CAPF भी जा सकते हैं, चाहे CAPF के जवान हों इसके लिए इसमें एलिजिबल हैं। वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन एंड CAPF इन वेदांता झारसुगुड़ा, ये झारसुगुड़ा कहाँ है, ये ओडिशा में है, झारसुगुड़ा ओडिशा में है जो पश्चिम ओडिशा का पार्ट है, ये राउरकेला और टाटानगर से करीब 5 से 6 घंटे का रास्ता है। अब यहाँ पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड का, टोटल वैकेंसी 50 है, यहाँ पे 8 घंटे 26 दिनों की यहाँ पे ड्यूटी रहती है। अब यहाँ सैलरी क्या रहेगा, DGR एरिया सी का जो सैलरी है वो यहाँ पे मिलता है। मैंने DGR का जो अप्रैल 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है DGR वेजेस का, मैंने उसके लिए उसके ऊपर एक इलेबोरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका DGR सी एरिया का क्या पेमेंट रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सी एरिया का आप देख सकते हैं सैलरी क्या रहता है, बाकी जो अलाउंसेस क्या रहती है वहाँ पे वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ क्या है जो कि सबसे यहाँ पर मतलब सबसे प्लस पॉइंट है, वो है यहाँ पे फ्री फूड एंड फ्री एकोमोडेशन है, तो पैन इंडिया से जितने पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे JCOs के लिए अभी प्रेजेंटली यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, केवल अप टू हवलदार एंड इक्विवेलेंट के लिए यहाँ वैकेंसी। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इनसे बात कर सकते हैं और इन जो वर्किंग आवर्स पे ही इनको कॉन्टैक्ट करें। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहने वाला है झारसुगुड़ा जंक्शन। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाना है, बाकी तो आप लेके जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन, तो जाने से पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा लें, उसको पुलिस वेरिफिकेशन लेके जाना एकदम अनिवार्य रूप से वहां जरूरी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कोई कुछ क्लैरिफिकेशन करना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वर्किंग आवर पे ही इनको कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पूर्व सैनिक ये अगर सूट नहीं कर रहा है तो जैसे अहमदाबाद गुजरात लोकेशन के लिए वहाँ रेलवे गेटमैन का या रेलवे के जो वैकेंसीज हैं उस पर आप जा सकते हैं, आप अपने नियरेस्ट AWPO में संपर्क करें और वहाँ का वैकेंसी अभी भी है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, सैलरी भी उसमें अच्छा खासा इसमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट वैकेंसी देख लेते हैं, वेरी अर्जेंटली रिक्वायर यहाँ फोर सिक्योरिटी हेड गार्ड फॉर थाने मुंबई के लिए चाहिए, कंपनी रोल में रहेंगे, यहाँ पे मेन क्या है कंपनी रोल में यहाँ रहना है, ग्रॉस सैलरी रहेगा 30,000, ये ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद PFESI लीव बोनस ग्रेचुटी फैसिलिटी रहेगा, बाकी डिटेल्स आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल है वहाँ से आप इनको मेल कर व्हाट्सएप कर सकते हैं या बात भी कर सकते हैं। अभी हम डिपेंडेंट्स की वैकेंसी की तरफ स्विच कर जाते हैं, अभी डिपेंडेंट्स के लिए वैकेंसी को देख लेते हैं। अभी जॉब फेयर है बिहार के बक्सर में, ये कितने तारीख को है 6 अगस्त 2024 को है, ये कहाँ होगा वो आप देख लें,
डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कम मॉडल कैरियर सेंटर आईटीआई फील्ड चरित्रवन बक्सर। ये लोकेशन है बक्सर का। तो बक्सर के अगर पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिपेंडेंट्स के लिए तो यहाँ पे उन्हीं के लिए है ही, वैसे एक सर्विसमैन भी जा सकते हैं और उनके लिए जो सूटेबल मिलता है वो आप जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलता है आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ 6 अगस्त में कितने बजे से शुरू होगा, 10 बजे से और 4 बजे तक चलेगा, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। बाकी आप डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रोजगार मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये भी 6 तारीख को होगा। अब ये कहाँ होगा, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस 29A, ये आप एड्रेस इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या वैसे मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और व्हाट्सएप चैनल है उसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी मैं इसको मैं शेयर कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। बाकी इसके डिटेल्स आप 10 से 4 के बीच में ये भी रहेगा, इसका भी टाइमिंग सेम है सुबह 10 से 4। उसके बाद जॉब फेयर आ रहा है, नेक्स्ट है लखनऊ उत्तर प्रदेश का। तो पूर्व सैनिक के साथ साथ डिपेंडेंट्स भी यहाँ इनको ऑर्गेनाइज कर सकते, देख चेक कर सकते हैं। 6 अगस्त को ये भी है। अब इसका जॉब वेन्यू क्या है, कहाँ होगा, रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लालबाग। बाकी इसका टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग आप देख लें, 10 बजे सुबह से लेकर 3 बजे शाम तक, दोपहर के 3 बजे तक रहेगा, यानी 10 से 3 का टाइमिंग रहेगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें वैकेंसीज आएंगे, अगर पुरुषनिक इसमें सूट कर रहे हैं तो पुरुषनिक जा सकते हैं, बाकी डिपेंडेंट जो अनएम्प्लॉयड हैं वो भी जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के लिए, ये 7 तारीख को है, 7 अगस्त 2024। कहाँ होगा ये, आप ये देख सकते हैं, ये जो एड्रेस है यहाँ होना है ये। उसके बाद ये टाइमिंग जो है वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 10 से 4 के बीच में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के लिए, 7 अगस्त 2024 को होना है। ये कहाँ होगा, आप एड्रेस इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं अपने चैनल्स पे टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। अभी एक AWPO की तरफ से वैकेंसी आया है फीमेल हॉस्टल वार्डन के लिए, एकेडमी ऑफ साइंस लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक साइंस प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग एकेडमी है, ये अलीगढ़ में है। इसमें सैलरी ऑफर कर रहे हैं 30,000। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, बाकी डिटेल्स आप जो डिपेंडेंट हैं, ये फीमेल के लिए वैकेंसी है तो अलीगढ़ की ज्यूरिडिक्शन में जो भी AWPO आ रहा है वहाँ से आप इसको इंक्वायरी कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ फूड और लॉजिंग मिल रहा है तो ये भी एक चीज़ है, सैलरी के अलावा ये फूडिंग और लॉजिंग भी ये प्रदान कर रहे हैं। अब DGR सिक्योरिटी एजेंसीज का हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि आसाम के लिए मैंने वादा किया था कि आसाम के लिए मैं लेके आऊँगा, और बाकी वैकेंसीज को भी मैं अभी हमारे रडार पे जब जैसे ही आता है गवर्नमेंट वैकेंसीज तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो आसाम के लिए है ये नोट डाउन कर लें, बाकी ईमेल आईडी है उनको मेल करके एजेंसी को आप वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कामरूप आसाम, ये भी आप फुल एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पे है, पॉज करके एड्रेस नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गुवाहाटी कामरूप क्या, या इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप एजेंसी में जाके इंक्वायरी कर लें। उसके बाद झारखंड के लिए, झारखंड से भी हमारे पास कमेंट आ रहा था तो झारखंड का ये है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रांची झारखंड का। उसके बाद जो 6 नंबर का एजेंसी है वो है जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम का, तो यहाँ भी आप चेक कर लें ये एजेंसी, बाकी ईमेल आईडी भी है उनको मेल कर लें, मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट लखनऊ का। उसके बाद 9th नंबर में ये भी लखनऊ का ही है, क्योंकि लखनऊ से हमारे पास काफ़ी बल्क मात्रा में बहुत सारे पूर्व सैनिक हमारे पास लखनऊ एरिया से कमेंट कर रहे थे, तो लखनऊ एरिया से एजेंसी जो हैं अभी आप देखें। वैसे हमारे रेडार में कोई गवर्नमेंट वैकेंसी या कोई ऐसा डायरेक्ट वैकेंसी आता है आपके हमारे ये में तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। 11 नंबर का ये भी लखनऊ का ही है, और 12 नंबर में है वो भी लखनऊ का ही है, तो ये सब पूरे लखनऊ के थे। अभी हम आ जाते हैं अपने वेलफेयर अपडेट में। अभी उसके बाद ये 13 नंबर का भी आ गया, ये भी लखनऊ का ही है, तो आप देख लें 4-5 एजेंसीज लखनऊ का है, वहाँ पर आप विजिट करके आप इंक्वायरी कर लें, आपको जरूर अपडेट मिल जाएगा। अभी वेलफेयर अपडेट में क्या है, ECHS का एक इम्पॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट है। क्या है वो, ECHS में अभी कैशलेस सुविधा से लेके अभी इसका एक अपडेट आया है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें। कैशलेस सुविधा जो आपको प्रदान होती है
ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, तो जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं कई बार मना कर देते हैं कैशलेस सुविधाएं देने के लिए, तो इसके लिए एक सख्त हिदायत आया है ECHS हेडक्वार्टर से। ये लेटर मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, तो ये लेटर आप सेव करके रख सकते हैं। और उनको ये लेटर यहाँ पे सख्त हिदायत मिला है कि आपको कैशलेस सुविधाएं हमारे पूर्व सैनिकों को प्रदान करना है, डिपेंडेंट्स को प्रदान करना है जो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये वेलफेयर अपडेट था। इसके अलावा हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली। अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल को एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। डिपेंडेंट्स हो तो भी आप अपडेट वहाँ पे फॉलो करते रहें। आप अगर CAPF हैं, CAPF से रिटायरमेंट है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हमारे पास CAPF के भी आते रहते हैं बीच बीच में, तो उसको भी हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। अपने YouTube चैनल पे भी अपडेट करते रहें, टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट करते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कई बार जो CAPF के लिए जो सैलरी वो प्रदान करते हैं वो काफ़ी कम रहता है, वो हमारे जो QR को मीट नहीं करता, इसलिए हम अपने चैनल पे उसको नहीं ये करते हैं। वैसे अगर आप अगर कहें तो जो कम सैलरी पे भी अगर आप एडजस्ट हो पाएंगे, जो कि हमारे जो क्राइटेरिया है 25,000 से नीचे वाले को हम उसको नहीं अपने चैनल पे ये करते हैं यानी टेलीकास्ट करते हैं, तो अगर आप अगर उसके ऊपर अगर राजी हो रहे हैं CAPF के हैं और 25,000 के नीचे भी अगर आप सर्वाइव कर पाएंगे तो आप कमेंट करें, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब चैनल पे नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया हुआ है कि उस जो क्राइटेरिया है उससे नीचे अगर वो सैलरी रहता है तो उसको मैं चैनल पे नहीं लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।